सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल में। और आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके, एक और नई मेडिसिन के साथ में। मेरा नाम है दिनेश सैनी और आज बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में इस टैबलेट के बारे में जिसका नाम है मैनफोर्स टैबलेट। जानेंगे इस वीडियो में इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी, किस यूज़ के लिए आती है, कौन इसको ले सकता है, क्या केमिकल नेम है, क्या प्राइस है, कितनी गोली का पैक आता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लो सब्सक्राइब, साथ ही में नीचे बेल आइकन भी आ रहा होगा उसको भी दबा लें ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, क्योंकि मैं इसी तरीके से मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस दवाई की पूरी जानकारी। सो फ्रेंड्स, ये जो मेरे हाथ में टैबलेट है इसका नाम है मैनफोर्स 100 mg टैबलेट। इसमें दो तरह की टैबलेट आती हैं, मैनफोर्स 100 और मैनफोर्स 50 mg। बात करें अगर से केमिकल नेम की, सो इसके अंदर जो केमिकल होता है वो होता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट टैबलेट, ठीक है। और बात करें अगर इसकी पैक की, तो ये चार टैबलेट का पैक आता है 100 mg का, जिसकी MRP है 232 रुपये। बट केमिस्ट पे आमतौर पे 20 रुपये की एक टैबलेट बिकती है। मीन्स अगर आप चार टैबलेट लेते हैं तो ये पत्ता हो जाएगा आपका 80 रुपीज़ का, 80 रुपये का ये चार गोली आपको मिलनी चाहिए। हर जगह यही रेट है, बट कुछ लोग इसको MRP से ही बेचते हैं। बट ये कि 20 रुपये की टैबलेट मिलनी चाहिए, क्योंकि इन टैबलेट पे स्कीम आती है, इसलिए केमिस्ट वाले जो हैं 20 रुपये की एक गोली बेचते हैं। फिर मैं भी 20 रुपये की गोली बेचता हूँ। तो ये थी, और मैं इसकी आपको पैक दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा पैकिंग इसकी होती है। देखिए, बात करें अगर इसकी कंपनी की, जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका नाम है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब बात करते हैं इसको यूज़ क्यों किया जाता है और कौन इसको यूज़ करता है। सो बेसिकली ये एक सेक्स की टैबलेट है जो कि मेल के लिए है, मेंस, जो कि एक मेल के लिए टैबलेट है ये। इसको औरतें नहीं ले सकती, ये सिर्फ मर्दों के लिए बनी हुई है। अब बात करें क्यों लिया जाता है, तो ये बेसिकली होता है आपके बॉडी में उत्तेजना पैदा करने के लिए, आपके सेक्स पावर को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए कुछ टाइम के लिए। बेसिकली जिस भी व्यक्ति को या जिस भी आदमी को इजुकुलेशन की दिक्कत होती है, इरेक्टाइल टाइम उसका बहुत कम है, उसको बॉडी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या जो प्री मेच्योर एजुकेशन उसको हो जाता है, सो उसके लिए ये टैबलेट बनाई गई है। आप सेक्स करते हैं, सेक्स में आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, बेसिकली उसके लिए टैबलेट है। और अगर बात करें इसके डोज की, सो ये जो टैबलेट है बिफोर सेक्स 1 आवर लेनी होती है, मतलब सेक्स करने से 1 घंटा पहले आपको लेनी पड़ती है। कई सारे लोग होते हैं कि वो करते हैं, उनको जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनके रिलेशनशिप में उसको मज़ा नहीं आता है और उनकी जो भी लाइफ पार्टनर होती है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। सो उस केस में डॉक्टर जो इस टैबलेट को आपको एडवाइज़ करता लेने के लिए, जो कि बहुत ही कॉमन टैबलेट है। इस सॉल्ट में और भी बहुत सारी गोलियां आती हैं, जैसे विगोरा, सुहागरा, एक तो मैनफोर्स हो गई, डाइजिग्रा, और भी कई सारी कंपनी की टैबलेट होती है जिसमें फॉर्मूला यही होता है सिल्डेनाफिल, और सेम डोज होती है, सेम तरीका होता है। अगर आपकी बॉडी में, किसी मेल की बॉडी में एजुकेशन टाइम नहीं है, फिर म्यूचुअल एजुकेशन हो जाता है उसको, और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उस केस में इस टैबलेट को आप लिया जाता है। बेसिकली बोला जाए तो सेक्स के लिए होता है, उसका पेनिस जो एक्सटेंड नहीं होता है, उसको चाहिए कि कुछ टाइम उसका वो और ठहर जाए सेक्स करने के लिए, तो उस केस में इस टैबलेट को लिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट इसके 2-3 तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। आँखों का लाल होना, सर में बहुत तेज़ दर्द होना, हल्की फुल्की एलर्जी होना, सो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात करते हैं कौन से व्यक्ति इसको नहीं ले सकते। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी को हार्ट की दिक्कत है, या किसी के ब्लड शुगर हाई लेवल पर रहता है, किसी को कोई एंटी एलर्जिक परेशानी है, सो उन सभी व्यक्ति को ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। एक बार अगर वो ले भी रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इस दवाई को लेने से पहले। दवाई बहुत बढ़िया है, बट इस दवाई को लेने से मैं तो कहूँगा कि इस दवाई को ना ही लें तो बढ़िया है, क्योंकि दवाई के रिएक्शन तो होते ही हैं। बाकी अगर आपको ये दवाई लेनी है तो आप ले सकते हैं, बट डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। और अगर आपको ये वाली जो परेशानी, जो भी मैंने आपको बताई, कोई BP या कोई ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट की कोई परेशानी है, अगर ये सब परेशानी है तो इस टैबलेट को आप अवॉइड करेंगे तो वही अच्छा है। सो बस ये था इस टैबलेट का रिव्यू। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।